गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने क्या किया था, पेज नंबर 81 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। पूरा पेज नंबर 81 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था ऑफ चैप्टर 10। अब आज हम करेंगे द लास्ट पेज ऑफ चैप्टर 10 और इसके बाद हम क्या करेंगे, रिविजन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 1। इट मीन्स अब हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हो गए और अब आपके कुछ टाइम बाद के टेस्ट भी होंगे, तो जब हमारे टेस्ट आ जाएंगे तो फिर हमें बहुत सारे एक साथ लर्न करना पड़ेगा ना, इसलिए अभी हमारे पास टाइम है तो हम क्या करते हैं, रिविजन स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आज हम चैप्टर 10 एंड करके इसके बाद रिविजन करेंगे फ्रॉम चैप्टर 1। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 82। रीड द फॉलोइंग पोस्टर, डिस्कस विथ योर फ्रेंड अबाउट इट। अब नीचे हमको बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल पोस्टर दिया गया है, तो हमको इसको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ रीड करना है। तो रीड करते हैं क्या दिया है इसमें, अवॉइड नॉइज़ पोल्यूशन। क्या अवॉइड करना है हमें, नॉइज पोल्यूशन को अवॉइड करना है। फ्रेंड्स लेट्स चेंज द ट्रेंड दिस दिवाली, नो क्रैकर्स सिर्फ फन। अब वो बोल रहे हैं पोस्टर में कि दोस्तों अब क्या करते हैं, हम दिवाली का ट्रेंड चेंज करते हैं। हर साल हम एक ही तरीके से दिवाली मनाते हैं, अब इस साल दिवाली का ट्रेंड चेंज करते हैं। दिस दिवाली नो क्रैकर्स सिर्फ फन। इस दिवाली क्या कोई भी पटाखे नहीं फोड़ेगा, बस क्या होगी, मस्ती होगी, फन यानी कि बहुत सारा मज़ा होगा। अब दिवाली आने वाली है तो सभी लोग एक तो नए कपड़े के बारे में सोच रहे होंगे और क्रैकर्स के बारे में सोच रहे होंगे। तो इस दिवाली क्या करते हैं, हम नए तरीके से दिवाली मनाते हैं, कैसे, न फटाके नहीं फोड़ के। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट नॉट नॉइस। दिवाली क्या है, लाइट्स का फेस्टिवल है, ना कि नॉइस शोर का। लेकिन हमको एक्चुअल में दिवाली में क्या मिलता है, शोर ही शोर दिखाई देता है, बस सुनाई में आता है शोर। रीस्टोर द ग्लोरी ऑफ दिवाली बाय सेइंग नो टू नॉइजी एंड पोल्यूटिंग फायर क्रैकर्स। हमें क्या करना है, रीस्टोर करना है दिवाली की ग्लोरी को, दिवाली की प्रशंसा को, उसकी सुंदरता को रीस्टोर करके रखना है। कैसे रीस्टोर करेंगे आप, नॉइजी और पोल्यूटिंग फायर क्रैकर्स को मना करके, जो वो शोर मचाने वाले होते हैं और जो पोल्यूशन मचाते हैं क्रैकर्स पटाके, उनको ना कहके। Every Diwali bursting crackers leads to serious fire accidents, injuries and health problems. Every Diwali bursting crackers leads to serious fire accidents, injuries and health problems. हर दिवाली जो फटाके फोड़ते हैं हम, इनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे फायर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आग लग जाती है घरों में, या बहुत सारे जो फटाखों की दुकानें होती हैं उनमें भी कई जगह आग लग जाती है, उन कारखानों में, और काफ़ी इंजरीज होती हैं लोगों को, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। किसकी वजह से, सिर्फ फटाके की वजह से। तो एक बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है। और दिवाली तो क्या है, एक फेस्टिवल है, हमें उस पर खुश रहना चाहिए, मज़े करने चाहिए, लेकिन कई लोगों के घर में क्या होता है, सैडनेस हो जाती है उस टाइम इन फटाकों की वजह से। इसलिए हमको क्या करना है, से वी हैव टू से नो टू क्रैकर्स। ठीक है, तो ये दिया गया था इस पोस्टर में जो कि हमने रीड किया, और अब हमारा चैप्टर 10 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए अपने चैप्टर 1 पे। सो हियर इज आवर चैप्टर 1 दैट इज मी। अब इसको हम एक बार और रीड करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज मी मतलब ये मैं हूँ। तो इसमें एक बच्चा अपने आप के बारे में बता रहा है। अब वो क्या क्या बताता है अपने बारे में, जिस तरीके से आप बताते हो ना अपने बारे में, कोई भी न्यू टीचर आता है वो आपका इंट्रोडक्शन लेता है, उसी तरीके से ये बता रहा है अपने पूरे डेली रूटीन के बारे में, अपने घर वालों के बारे में। तो देखते हैं हम इसने किस तरीके से बताया। मॉम डजंट हैव टू वेक मी अप, आई गेट अप बिफोर हर कॉल, देन आई हग एंड किस वन एंड ऑल, डैड हेल्प्स मी टू ड्रेस अप अर्ली बिफोर ही हैज हिज मॉर्निंग टी, मॉम गिव्स मी मिल्क एंड ब्रेड एंड समटाइम्स एन एप्पल रेड, इन स्कूल आई लर्न एंड प्ले, रीड राइट एंड प्रे, डैड सेज
माई चाइल्ड इज द बेस्ट, मॉम सेज माई चाइल्ड स्टडीज फॉर एवरी टेस्ट, ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा लव मी टू, दे से दिस बॉक्स ऑफ चेरीज इज फॉर यू। क्या बोला बच्चे ने, मॉम डजंट हैव टू वेक मी अप, अब मेरी मम्मा को ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे उठाने की, क्यों, क्योंकि मैं सुबह खुद अपने आप ही उठ जाता हूँ। तो बच्चा बोल रहा है कि मेरी मम्मा को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे उठाने की, ना वो मुझे आवाज़ लगाती है, मैं तो अपने आप ही खुद से टाइम पे उठ जाता हूँ सुबह। आई गेट अप बिफोर हर कॉल, देन आई हग एंड किस वन एंड ऑल। मेरा बच्चा कि मैं मेरी मम्मा के कॉल यानी कि मम्मा के बोलने से पहले ही क्या करता हूँ, उठ जाता हूँ और फिर सभी को अच्छे से हग करता हूँ उठते से। तो आप लोग तो क्या, कुछ बच्चे होते हैं कि वो बिल्कुल सोते रहते हैं, जब अगर उनको कोई उठाए नहीं ना तो मतलब फिर देर तक सोते ही रहेंगे, उनका स्कूल भी मिस हो जाएगा। लेकिन जो पोएम में चाइल्ड है उसको अपने स्कूल की चिंता होती है, इसलिए वो बिना किसी के उठाए ही टाइम से उठ जाता है। तो आपको भी बिल्कुल इस चाइल्ड की तरह बनना है। डैड हेल्प्स मी टू ड्रेस अप अर्ली बिफोर ही हैज़ हिज मॉर्निंग टी। अब वो बता रहा है उठने के बाद मेरे डैड मेरे फादर जो है वो मेरी मदद करते हैं मुझे तैयार होने में जल्दी से, और बिफोर ही हैज़ हिज मॉर्निंग टी अपनी मॉर्निंग टी सुबह की चाय लेने से पहले ही, उसके पापा चाय पीने से पहले ही उसको क्या कर देते हैं, तैयार कर देते हैं अच्छे से स्कूल जाने के लिए। मॉम गिव्स मी मिल्क एंड ब्रेड एंड समटाइम्स एन एप्पल रेड। फिर रेडी होने के बाद मम्मी मुझे, मेरे मम्मा मुझे क्या देती हैं, मिल्क और ब्रेड देती हैं, और कभी कभी इसके साथ वो मुझे एक रेड एप्पल भी देती हैं। इन स्कूल आई लर्न एंड प्ले, रीड राइट एंड प्रे। फिर मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में मैं क्या करता हूँ, लर्न करता हूँ, सीखता हूँ, प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लिखता हूँ, याद करता हूँ और खेलता हूँ। डैड सेज माई चाइल्ड इज़ द बेस्ट, मॉम सेज माई चाइल्ड स्टडीज फॉर एवरी टेस्ट। अब वो बोल रहा है कि मेरे डैड मेरे फादर बोलते हैं कि माई चाइल्ड मेरा बच्चा कैसा है, बेस्ट है, सबसे अच्छा है, और मेरी मम्मा बोलती हैं कि जो मेरा चाइल्ड है मेरा बच्चा है वो हर टेस्ट के लिए क्या करता है, पढ़ाई करता है। अब क्योंकि वो बच्चा इतना अच्छा है, सारी बात मानता है उसकी मम्मी पापा की, टाइम से उठ जाता है, रेडी हो जाता है टाइम से, और क्या कहते हैं, उसके डैड उसको तैयार कर देते हैं, उसकी मम्मा उसको मिल्क और ब्रेड देती हैं, तो वो सारी बात बिल्कुल अच्छे से करता है, सारी रूटीन में करता है अपने काम, इसलिए उसकी डैड क्या कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसके फादर उसकी और उसकी मम्मा बता रही हैं कि वो क्या पढ़ाई में भी अच्छा है, वो सारी बातों में तो अच्छा है ही, बाकी वो क्या करता है, सभी टेस्ट के लिए पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करता है। ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा लव मी टू, दे से दिस बॉक्स ऑफ चेरीज इज फॉर यू। फिर वो बता रहा है कि मम्मी पापा तो मुझे प्यार करते ही करते हैं, उनको तो मैं पसंद हूँ ही, बट उसी के साथ साथ मेरे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा यानी कि मेरे दादा दादी भी जो हैं वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, और वो मेरे लिए क्या लेके आए, एक चेरी का बॉक्स लेके आए, बहुत सारी चेरीज हैं उस बॉक्स के अंदर, तो वो मेरे लिए उस बॉक्स लेके आए, और वो दोनों मेरे से बोलते हैं कि जो चेरीज का बॉक्स है वो किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो क्योंकि इस चैप्टर में जो चाइल्ड है वो क्या करता है, पढ़ाई टाइम से करता है, स्कूल जाने के लिए टाइम से रेडी हो जाता है, कभी भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं देता, झूठ नहीं बोलता कि उसको आज स्कूल नहीं जाना है करके, और इसीलिए उसके डैडी उसको अच्छे से तैयार कर देते हैं टाइम से पहले, स्कूल जाता है, स्कूल में वो सभी काम करता है, मतलब खेलता भी है, साथ ही में पढ़ता है, याद करता है, प्रेयर प्रार्थना करता है, सारी चीज़ें करता है वो स्कूल में। तो उसके पापा बोलते हैं कि उनका बच्चा कैसा है, बेस्ट है, सबसे अच्छा है, और उनकी मम्मा बोलती हैं कि वो क्या करता है, स्टडी भी करता है, पढ़ाई करता है हर टेस्ट के लिए, हर टेस्ट मीन्स हर सब्जेक्ट का जो टेस्ट होता है उसके लिए वो पढ़ाई भी कर लेता है खुद से ही, उसको बोलना नहीं पड़ता उसकी मम्मा को कि पढ़ाई करो तुम, बार बार टोकना नहीं पड़ता। तो क्या होता है, वो परेशान नहीं करता उसके मम्मी पापा को या घर में जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनको वो परेशान नहीं करता है, इसलिए सब क्या कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको भी बिल्कुल इस पोएम में जो चाइल्ड है ना बिल्कुल उसी की तरह बनना है,
ठीक है, ऐसा गंदा बच्चा बैड बॉय या बैड गर्ल नहीं बनना है आपको, बात माननी है अपने मम्मी पापा की, बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर वन का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब आज से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो गया, तो हम हर चैप्टर का रिवीजन करेंगे, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हम चैप्टर्स। और जो पेज नंबर 11 पे एक्सरसाइज है, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी वर्क है, हम वो दोबारा करेंगे इन फॉर्म ऑफ रिविजन। ओके, तब रीड करना है आपको अच्छे से, रिविजन स्टार्ट हो गया तो सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे फिर टेस्ट में। ओके, थैंक यू।